अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा टॉपिक है के मैप। तो के मैप के अंदर हम आज देखेंगे टू वेरिएबल्स के मैप। अगर हमारे पास टू वेरिएबल के मैप दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास है ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी होल बार। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्सप्रेशन के अंदर। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या 2 की पावर n, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास क्या है, दो है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 4। तो इसी तरह हमारे पास जब 4 पॉसिबल वैल्यूज है तो हमारे पास जो बॉक्सेस बनेंगे, जो सेल बनेंगे के मैप के, वो कितने बनेंगे 4 बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक 4 कॉलम का बॉक्स बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम बोलने एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीके का क्या है, हम सबसे पहले एक वैल्यू को समझ लेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर इसके ऊपर जो है बार है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। वेरिएबल जिसके पास बार नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और वो वेरिएबल जिसके पास बार है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, देख रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास कितने वेरिएबल गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इट मींस कितने सेल बनेंगे 4 सेल बनेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 4 सेल बना लिए हमने। अब इनको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। कैसे, यहां हमने क्या लिखा ए, इधर लिखा हमने बी, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा क्या है ए की ए माना जाएगा, और जो हमारा टॉप साइड है वो क्या माना जाएगा बी। तो हमने यहाँ पे क्या दे दी वैल्यू, दे दी इनको, ए को 0 वैल्यू दी और ए को 1। यहाँ पे हमने 0 वैल्यू दी, यहाँ हमने क्या दी वैल्यू 1, मतलब ए की वैल्यू हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे और बी की वैल्यू हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, अपने टॉप साइड से। तो अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम देख लेंगे, समझ लेंगे बात कि ए अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लीमेंट, ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर जो है वो बार नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर बार है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। एक्सप्रेशन देखेंगे हमारे पास ए बी प्लस ए बार बी ए बार बी बार। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या है 1 1, ए बार बी की वैल्यू क्या है 0 1, और ए और बी इन दोनों की वैल्यू क्या है 0 0। क्लियर हो गई बात। अब एक एक टर्म को इस जो हमारे पास सेल्स है उसके अंदर रखना शुरू करेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है, ए की पावर 1, बी की जो है वैल्यू 1। अब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 कहां पे आएगी, किस सेल के अंदर आएगी, यहां पे हमारी जो वैल्यू चल रही है वो ए की वैल्यू चलेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू देखेंगे 1 कहां पे आ रही है, ए की वैल्यू 1 जो है वो इस सेल में आ रही है और इस वाले सेल में आ रही है। यहां पे देखेंगे हम बी की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो अब बी की वैल्यू हम कहां से देखेंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे। तो अब बी की वैल्यू जो है इस वाले सेल में 0 आ रही है, मगर इस वाले सेल में जब हम जाएंगे तो इस वाले सेल में क्या आ रही है, बस बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है जी। इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 कौन से सेल में आ रही है, इस सेल में आ रही है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे और बी की वैल्यू को टॉप साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ए 1 और बी 1 दोनों कौन से सेल में आ रहे हैं, लास्ट वाले सेल में आ रहे हैं, वहां पर हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। आगे जाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो ए की वैल्यू 0 कौन से बॉक्स सेल में आ रही है हमारे, एक इस वाले सेल में आ रही है और एक इस वाले सेल में आ रही है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है इस तरह से चल रही है, और बी की वैल्यू क्या है 1, मगर यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। जिस सेल के अंदर हमारी वैल्यू मैच कर रही होंगी उस सेल के अंदर क्या कर देंगे हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की ए बार और बी बार, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस वाले सेल में हम देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, और ऊपर से बी की वैल्यू देखेंगे यहाँ, बी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे।
ये हमने क्या किया, अभी से वैल्यूज को पुट करें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं ग्रुपिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुपिंग किन दो तरीकों से नहीं होती। पहला, हमारे पास ग्रुपिंग कभी भी डायगनल नहीं होती, हम डायगनल ग्रुपिंग नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास एक बॉक्स खाली आ रहा है रीच में, तब भी हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। एक बॉक्स खाली से मुराद आपका यहाँ पे वन लिखा हुआ है और यहाँ पे वन लिखा हुआ है, बीच वाला सेल जो है वो खाली है, तो हम इस तरह से ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये तरीके कार जो है दोनों गलत हैं। इन दोनों तरीके से आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, या तो आप खाली एक सेल को अकेले ग्रुप कर सकते हैं, या फिर दो को, या फिर चार सेल को एक साथ, या फिर आठ सेल को एक साथ आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, सबसे पहले जो है हम इन दो सेल्स को आपस में ग्रुप कर देंगे। अब ये हमारे पास खाली है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ ग्रुप कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में लाजमी आता है, चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हवाले से। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ तक आपको करना होगा। क्वेश्चन सवाल आता है आपके पास, सिंप्लीफाई द बोलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो इस तरह से जो है वो आप के मैप के जरिए बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।